हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राजमिति स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड अ पॉलीगन एक्सरसाइज 18B। इससे पहले हमने 18A एक्सरसाइज पढ़ी है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 18B। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AC इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ये फिगर है, इसमें कह रहा है कि AC हमारा जो है वो दिया है 24 सेंटीमीटर, BL परपेंडिकुलर टू AC एंड DM परपेंडिकुलर टू AC सच दैट BL इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। जो BL है हमारा वो 8 सेंटीमीटर है एंड DM है हमारा 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सॉरी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और क्या है ABCD, ABCD इस एरिया की हमें ट्रेपेजियम की हमें पूरी एरिया फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर AC गिवन है, 24 सेंटीमीटर है, और हमारे पास BL और ये सब तो है। BL है हमारे पास 8, ये है जो लेंथ है इतनी वो 8 सेंटीमीटर है, और जो DM दी गई है वो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इस पूरे का हमें, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के पूरी की एरिया निकालनी है। पूरे की एरिया मतलब पहले तो हमें इसकी एरिया निकालनी पड़ेगी, हाफ़ की, फिर हाफ़ की, फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे हम। पहले इसकी निकालेंगे या फिर पहले इसकी निकालेंगे फिर इसकी निकालेंगे, इन दोनों प्लस कर देंगे, फिर जो भी आएगा वो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अब उससे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर जो फिगर है, ये फिगर है हमारी, इसमें क्या है कि एरिया ऑफ ये गिवन है ना, AC हमारा कितना था 24 सेंटीमीटर है, यहाँ कर देते हैं AC हमारा पूरा है 24 सेंटीमीटर, और BL हमारे पास गिवन था 8 सेंटीमीटर, और DM हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। फाइंड तो हमें करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। पहले हमारे पास गिवन BL परपेंडिकुलर AC एंड DM परपेंडिकुलर AC, ये दोनों गिवन है। अब कह रहा है AC इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर और BL हमारे पास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, DM हमारे पास दिया हुआ है ये वो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब इससे पहले वाले में हमने पढ़ाई था कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये गिवन है और ये वाली साइड गिवन है, और ये अगर हम इस साइड को सिर्फ हाफ को देखें, आधे को, ऊपर वाले को, तो ये हमें कहीं से ट्रायंगल लग रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमें फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है बेस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब बेस मतलब ये पूरी ACC तक, हाइट हमारी ये हो जाएगी DM, हो गया ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं पहले किस में, एंड ट्रायंगल ADC में, ADC ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमें पता है, बेस क्या हमारा AC, AC है हमारा 24 सेंटीमीटर, 1/2 इंटू 24, हाइट हमारे पास गिवन है, हाइट क्या है DM है हमारी, DM है ना, तो DM है हमारी, DM गिवन है 7 सेंटीमीटर, 7 कर देते हैं, 12 कर दिया, 12 सेवन 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये वो, अब एक की तो हमें ट्रायंगल की पता चल गई, अब दूसरे की निकालेंगे नीचे वाले की ACB, ACB की निकालेंगे, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एंड ट्रायंगल क्या है AC ABC, इसमें वही फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस
बेस हमारा हमें पता ही कि ए सी है। हाइट हमारे पास क्या था इसमें, हाइट हमारा ये है एल ओ पी, एल बी हो गया या बी एल कर दो, ठीक है। अब 1/2 बेस हमारा 24 इंटू हाइट हमारी कितनी थी, हमारी एल बी था 8, मतलब बी एल था हमारे पास 8, ठीक है। 12 8 96 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा था, फाइंड करना था एरिया ऑफ क्या, क्वाड्रिलैटरल है ना। चलो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल निकालेंगे हम, क्वाड्रिलैटरल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए टी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों को प्लस कर देंगे वही हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल आ जाएगा। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर देंगे आ जाएगा 108 इनको हम प्लस करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है। फिर से समझते हैं, ये पहला है तो बहुत ही आराम से पढ़ेंगे इसे। कह रहा था फाइंड करना था हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल, ये हमारा क्वाड्रिलैटरल है पूरा, इस पूरे की हमें एरिया निकालनी है, मगर हमारे पास गिवन क्या है, ये बेस और इसकी हाइट और इसकी हाइट। तो हम देख रहे हैं अगर हम इसको छुपाते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ये ऊपर का ट्रायंगल बन गया ये, ठीक है। इतना ए डी सी, अगर ए डी सी को हम निकालें फिर ए बी सी निकालें, इन दोनों को निकालें आधा आधा करके, फिर इनको प्लस करते तो एरिया ऑफ पूरी की एरिया पता चल जाएगी। तो हमें तो ये पता ही हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बस ये लगाया और आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, कह रहा है बिल्कुल सेम उसी तरह है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। इन दिस गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलैटरल शेप फील्ड, ये जो फील्ड है ए बी सी डी की, सॉरी ए बी सी डी, हाँ ए बी सी डी की ये जो है क्वाड्रिलैटरल है, विच डायगनल ए बी डी, जो डायगनल की है बी डी इज 36 सेंटीमीटर, ये 36 सेंटीमीटर की है, 36 मीटर की, ए आर परपेंडिकुलर बी डी एंड सी एम परपेंडिकुलर बी डी सच डैट ए एल दिस सी एम 11 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। मतलब ये जो पूरी फील्ड है, फील्ड हमारी क्या थी, क्वाड्रिलैटरल शेप फील्ड है ना, ये पूरी फील्ड की हमें एरिया निकालनी है। तो हम फिर क्या करेंगे, फिर से इतना पार्ट ए बी सी डी प्लस बी सी डी, इन दोनों को प्लस कर देंगे, मतलब पहले इसको निकालेंगे फिर इसको निकालेंगे फिर प्लस कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को अब सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास, वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन 2 बस गिवन है, ए एल है गिवन, हाँ ए एल गिवन है 19 मीटर है, सी एम गिवन है 11 मीटर है, ठीक है। अब कह रहा है ए एल और है डी बी बी डी, बी डी है 36 मीटर, ए एल परपेंडिकुलर है हमारा किसके, बी डी के, एंड सी एम परपेंडिकुलर बी डी, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पास ये फिगर है हमारी सेम वही, फिर से हम फिगर देख लेते हैं। पहले हम इस फिगर लगाएंगे, इसमें ए बी डी मतलब इस पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ए डी लिख लीजिए, ए बी डी बात है, बी ए डी कुछ भी लिखिए, बी ए डी क्या आया, एरिया ऑफ किसका फॉर्मूला लगेगा, ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हमारा क्या है, सॉरी 1/2 इंटू बेस है हमारा बी डी, इंटू हाइट हमारे पास क्या है, बेस तो हमारा ये हो गया बी डी, हाइट हो गया ए एल,
ठीक है, इंटू ए एल, वन बाई टू इंटू बी डी, बी डी ना, बी डी हमारे पास गिवन है 36, इंटू ए एल हमारे पास गिवन है 19, 36 के करेंगे 18 होगा, 18 इंटू 19 करेंगे 342, ठीक है। अब तो हमें ये पहले का पता चल गया इतने का, हम ये निकालेंगे ए बी सी डी। अब इस ट्रायंगल का निकालेंगे नीचे वाले का बी सी डी, इतने का, सिर्फ नीचे वाले का, ऊपर का निकल गया। अब लिखेंगे फिर से इन ट्रायंगल बी सी डी एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या थी हमारे पास, बी डी, हाइट क्या था, एम सी, 1/2 बी डी है 36, एम सी हमारे पास गिवन ही था 11 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, कट किया 18 11 सा 198। अब क्वेश्चन था हमारा कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछा है उसने, तब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछे, पूरे की एरिया पूछी थी, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, जैसे ऐसे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जैसे वाला फॉर्मूला लगाया था ए में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, वैसे क्वेश्चन नंबर टू इक्वल क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी बी ए डी, ट्रायंगल कौन सा था बी ए डी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा 342 प्लस 198, इनको प्लस करिए 0, 10, 4, 5, 5, 40, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सब फाइंड द एरिया ऑफ अ पेंटागॉन ए बी सी डी ई इन विच बी एल परपेंडिकुलर ए सी डी डी एम परपेंडिकुलर ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर ए सी सच दैट ए सी इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, ए एम इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर और ए एन इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, बी एल इक्वल्स टू 4, डी एम इक्वल्स टू 12 और ई एन इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ये सब हमारे पास गिवन है और हम फिगर देखते हैं। चलिए, ये हमारे पास फिगर है, ए सी हमारे पास गिवन है पूरा 18, ए एम गिवन है हमारे पास 14 और ए एन गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या नहीं है, ए एन नहीं है और एम सी नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है कि एरिया ऑफ किसकी एरिया निकाली, पेंटागॉन, एरिया ऑफ पेंटागॉन इस पूरे फिगर की एरिया निकालनी है, मगर हमें आधे आधे तो पता नहीं है, तो हम हाफ हाफ करके इसकी एरिया निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, इस ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे ए एन ई, ठीक है, फिर इस ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे डी एम सी, फिर नीचे वाला ट्रायंगल ए सी बी, ये पूरे की एक साथ निकालेंगे। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कर रहे थे, पहले इसकी 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 और फिर ये हम देख रहे हैं बीच में ई एन और एम डी, ये हमारा ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले इन तीनों की निकालनी पड़ेगी, फिर इसकी एरिया निकालेंगे, फिर सबको प्लस कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए पहले फाइंड करते हैं, जो गिवन इसमें लिखा ही हुआ है उसकी ज़रूरत नहीं लिखने की। क्वेश्चन नंबर थ्री, पहले हमारे पास क्या है, इसकी एरिया निकालनी पड़ेगी। ठीक है, निकाल लेंगे, अगर हमें जब इसको निकालनी पड़ेगी तो इससे पहले हमें इसका बेस निकालना पड़ेगा, एन और एम का बेस, फिर एम सी का बेस। चलिए हम लिखते हैं बेस निकालने पड़े, एम सी निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको लगाएंगे तो क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, बेस तो पता ही नहीं है, उसके लिए बेस तो हमें फाइंड करना ही पड़ेगा। चलिए तो बेस फाइंड करते हैं, तो हम देख रहे हैं इसमें हमें पूरे की लेंथ पता है, पूरे बेस की ए से सी तक की हमें लेंथ पता है 18 है, और हमें ये भी पता है कि ए से एम तक 14 है। जब इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, जो बचेगा
वो इसका तो हो ही जाएगा ना, अब पूरा माइनस एम ए से लेके एम तक माइनस कर देंगे, मतलब ए सी माइनस ए एम, तो 18 माइनस 14 4 सेंटीमीटर। और फिर उसी तरह इसमें भी ए एम, ए एम क्या है, ए एन तो हमें पता ही नहीं है, मतलब एन एम पता नहीं है, तो इसको फाइंड करने के लिए पहले क्या है, ए एम हमें पूरा गिवन है तो लिख देते हैं ए एम माइनस, और क्या गिवन है, ए एन, ए एन, इन दोनों को माइनस, 14 माइनस 6 = 8 सेंटीमीटर। अब हमें एन एम और क्या पता चल गया है, एम सी, दोनों सबकी बेस पता चल गया। अब चलो फाइंड करते हैं, पहले इस ट्रायंगल पे निकालेंगे ए ई एन पे, चलो चाहे तो हम इसको यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर देते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पहले इस ट्रायंगल पे हम निकाल ए एन ई पे 6, ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एन इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस, मतलब क्या है, ए एन इंटू हाइट, ए एन है ठीक है, 1/2 इंटू बेस क्या है, 6 × 9, 3 × 3 = 27, ठीक है, क्या था वो सेंटीमीटर था ना, स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसमें भी। जब ये फाइंड हो गया, अब हम क्या करते हैं, इसको फाइंड कर लेते हैं, ये वाले को, ऊपर वाले को, क्या है, डी एम सी, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एम सी इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है इसकी, एम सी है, बेस हम देखते हैं डी एम सी है ना, इसकी बेस है हमारे पास एम सी, हाइट है 12, 12 क्या है, डी एम इंटू डी एम, सिंपल है, लिखते हैं 1/2 इंटू एम सी, मतलब 4 था, इंटू डी एम, डी एम हमारा 12 है, सो हमारे पास आ गया 24 सेंटीमीटर। अब क्या रहा, लास्ट वाले की एरिया निकाल लेते हैं, लास्ट क्या मतलब, ये नीचे वाला ए सी बी, ए सी बी इसकी निकालेंगे, इस ट्रायंगल की एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 बेस क्या है, ए सी इंटू हाइट, हाइट क्या है, बी एल, 1/2 18 × 4, 18 है हाँ, इंटू 4, चलो इसको निकाल ले, तो हमारा आ गया 36 सेंटीमीटर। अब तीनों की तो हमें पता चल गई, मतलब तीन हमारे पास ट्रायंगल थे, तीनों ट्रायंगल पता चल गए, अब बीच में बच रहा है हमारे पास ट्रेपेजियम, ये हमारा ट्रेपेजियम ही जैसा लग रहा है, हम बना के दिखाते हैं आपको, एक सेकंड, रफली हम फिगर बना रहे हैं यहाँ पे, उसको सिर्फ आपको समझाने के लिए, ई डी एन एम 12 9, और ये हमने अभी फाइंड किया हुआ था एन एम था 8, ये फिगर है हमारा, ये ना फिगर, ये ट्रेपेजियम जैसा लग रहा है, दोनों साइड पैरेलल है, तो हमें पता था एरिया और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड क्या, ए एन प्लस डी एम इंटू हाइट, हाइट क्या हो गई, एन एम, एन एम, तो 1/2 इंटू 9 इंटू 12 सॉरी प्लस इंटू 8, 4 कर देंगे तो 21 × 4 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, अब ये आ जाएगा। अब क्या पूछा था, पॉलीगन
सम ऑफ सॉरी फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागॉन, पेंटागॉन पूछा था, तो सारी हमें एरिया तो पता चल गई, अब सिर्फ क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पेंटागॉन प्लस करना है ना, पहले हमारे पास क्या था 27 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 84, इन सबको प्लस करेंगे ठीक है, तो 27 प्लस 27 36 84 तो आ जाएगा 171 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है, यही हमारा आंसर है। फिर से हम एक बार इसको देख लेते हैं, ये हमारा था पेंटागॉन ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए, इसकी एरिया फाइंड करने के लिए हमें जो अंदर अलग अलग दिख रहे हैं इसको अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, फिर इसके बाद ये हमें ट्रेपेजियम लग रहा है, दिख रहा है, तो हमें इसे ट्रेपेजियम निकालना पड़ेगा ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से, फिर जब हमने सब निकलाएगा तो उसको टोटल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सब क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द एरिया ऑफ अ हेक्सागन ए बी सी डी, ये सब फाइंड करनी है। चलिए सीधे फिगर में आते हैं, ये सब तो गिवन है, आप ऐसे ऐसे नोट कर लीजिएगा। अब कह रहा है ये हमारे पास फिगर है, फिगर है ठीक है, ये हमारा इस पर गिवन है ए पी पी एल और एल एन और एन एम जो है टू एम डी थ्री, ये हाइट गिवन है। जब हम इसको फाइंड करेंगे पहले इसको ठीक है, अगर इसको फाइंड करेंगे तो बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर थ्री की तरह है, सेम वैसे ही करना है, पहले इसका निकाल लेंगे फिर इसका निकालेंगे फिर इसका 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 ठीक है, सबको अलग अलग करके फिर इसको प्लस कर देंगे तो इसकी एरिया निकल जाएगी ठीक है। फिर क्या इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आएगी आपको, क्योंकि इसमें पी एल, इस पूरे की लेंथ तो हमें आधी आधी दी गई पी एल प्लस एल एन, तो हमें इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। फिर अगर हम इसका निकालेंगे तो एल एन प्लस एन एम करना पड़ेगा, अगर हम इनका निकालेंगे तो एन एम प्लस एन एम, ये हम पहले देख लेते हैं। तो पी एल प्लस ए एल का निकालेंगे तो पी एल प्लस ए पी प्लस पी एल, ये हुआ ठीक है। अब इसको क्या है 6 प्लस 2 है हमारे पास 8 सेंटीमीटर हो गया। दूसरा क्या है पी एन, पी एल प्लस एल एन प्लस 2 प्लस 8 10 सेंटीमीटर। एल एम हमारा एल एन प्लस एन एम इक्वल्स टू 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये क्या है एन डी इक्वल्स टू एन डी प्लस एम डी इक्वल्स टू 2 प्लस 3 5 सेंटीमीटर। पहले देखिए एल एम एल ए एल पूरे का निकालना था तो हमें क्या करना पड़ा ए पी प्लस पी एल, इनको प्लस करेंगे तभी इस पूरे का आ पाएगा, तभी तो ये पूरा बेस होगा इसके लिए ठीक है। अब चलिए पहले इसको फाइंड करेंगे फिर ये सब ठीक है, एक एक करके सभी को फाइंड करते हैं। चलिए पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे ए पी एफ, इसको इसको तो पता है 1/2 बेस होता है ए पी इंटू हाइट है एफ पी, सिंपल है 1/2 करेंगे, बेस है हमारा 6 हाइट है हमारा 8 कैंसिल किया आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये निकल गया डी ई एन निकालेंगे डी ई एन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एन इक्वल्स टू 1/2 इंटू एन डी इंटू ई एन 1/2 इंटू 5 इंटू 12 गिवन है 6 6 5 30 सेंटीमीटर। अब फाइंड करेंगे ए बी एल, ए बी एल ये पूरा ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एल ठीक है 1/2 इंटू ए एल इंटू बी एल
एल कितना गिवन है, 1/2 इंटू एट, 4 8 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये भी निकल गया, अब दूसरा ट्रायंगल निकालते हैं एन सी डी। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एन सी डी, ठीक है एन सी डी था, एन सी डी ठीक है, सी एन डी, सॉरी सॉरी ये गलत हो गया, ये एन नहीं है, एन तो हमारा ये ऊपर का है, ये होगा एम सी डी, एम सी डी। तो इसको फाइंड करते हैं, इसको करते हैं एम सी डी इक्वल्स टू 1/2 इंटू डी एम इंटू सी एम, 1/2 इंटू 3 × 6, 3 × 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालें, पी एन ई एफ, पी एन ई एफ ट्रेपेजियम है, बहुत ही इजी है ये, बस थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम टी आर ए पी इक्वल्स टू 1/2, पता ही है सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल क्या है एफ पी प्लस ई एन इंटू हाइट, हाइट क्या है पी एन है, 1/2 इंटू 8 + 12, सॉरी क्या था, 8 + 12 इंटू इंटू कितनी हाइट है पी एन, 8 + 12 इंटू हाइट है पी एन है 10, 5 × 20 × 5 100 सेंटीमीटर। अब इसके भी ट्रेपेजियम निकल आया, अब मेरे पास एक और ट्रेपेजियम है ये वाला, अब इसको फाइंड करते हैं। चलिए कह रहा है ए आर ई ए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड इसमें क्या बी एल प्लस सी एम इंटू एल एम, 1/2 8 + 6 इंटू 10, 2 × 5 = 14 × 5 हो जाएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब हमने देखा, फाइंड कर लिया है सारी साइडें, सभी की एरिया, हर एक पार्ट की, इस पार्ट की, यहाँ की, इसकी, इसकी और इन सब की, तो इनको क्या कर देंगे, सम कर देंगे इन सभी का। अब इनका हम सम करेंगे, ठीक है चलिए सम करते हैं। क्या था एरिया ऑफ हेक्सागोन, ए बी सी डी, ए बी सी डी ए एफ इक्वल्स टू, अब इन्हीं सबका सम 24 + 30 + 32 + 9 + 100 + 70 = 350 हो गया। तो ये हमारा आएगा टोटल 265 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ हेक्सागोन है, ठीक है।